थाना गलता गेट ने 5 दिन पहले हुए गोपाल खंडेलवाल की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों को हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर से किया दस्तायाब। आरोपी प्रभु नारायण ठाकुरिया, मनीष ठाकुरिया एवं रवि ठाकुरिया को किया गया गिरफ्तार। खंडेलवाल ने पुलिस थाना गलता गेट और जयपुर उत्तर पर एक रिपोर्ट पेश की। मनीष ठाकुरिया रवि ठाकुर के वह उसके पिता प्रभु नारायण द्वारा गाड़ी पार्क की गई बात को लेकर मेरे पिताजी गोपाल खंडेलवाल द्वारा मना करने के बावजूद भी जंजेवा था। प्रमुखों के घर से बहरवा मेरे पिताजी को अंदर घर पर ले जाने के बाद भी तीनों उत्तेजित होकर अंदर दोबारा लात तो गस से मारपीट की, जिससे मेरे पिताजी की गोपाल खंडेलवाल की मृत्यु हो गई तथा घर की औरतों के साथ भी मारपीट की। घटना कृत करने के बाद आरोपी अपने घर से भागकर मानसरोवर महारानी फार्म कानोता दोस्त होते उत्तर प्रदेश में मथुरा पहुंचे, जहां पर दर्शन करने के बाद गुड़गांव आगे वहां गुड़गांव आकर अपने परिवार की महिला व बच्चों को भी गुड़गांव बुला लिया, जहां से पूरे परिवार के साथ तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित होटल में चले गए, जिनमें ठहराने की सूचना मुखबिर खासी प्राप्त होने पर टीम गिरिराज विनोद कुमार को हिमाचल रवाना किया गया। उक्त आरोपी में परिवार के मनाली होटल से खाली कर निकल गए थे, जहां सुंदर नगर जिला मंडी से स्थानीय पुलिस का सहयोग प्राप्त कर नाकाबंदी लगाकर तीनों आरोपी को डिटेन कर जयपुर पूछताछ हेतु लगाया गया। आरोपियों को बाद पूछताछ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। पुलिस को उसी व्यक्ति ने पुलिस को बुलाया कि देखिए महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु संदिग्ध अवस्था में महिला हमको मिली थी, उनका हमने बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और उसमें साफ आया कि उनका तकिए से दबा के उनका मतलब हत्या की गई है, तो फिर इसलिए उनको अरेस्ट किया। क्या वजह थी? आपसी उनके कोई ताल्लुकात थे और महिला से कोई उनकी अनबन हो गई, और पता करेंगे उसके बारे में। मुलजिम को और ईरानी मुस्लिम गैंग को हम यूपी से पकड़ कर लाए थे, राकेश लिसाड़िया को हम असम से पकड़ के लाए थे, और इसी तरह पहले एक गलता में मर्डर हुआ था जो हम दिल्ली से पकड़ के लाए थे व्यक्ति। तो मैं एक स्पष्ट संदेश देना चाहती हूँ कि मुलजिम कहीं भी हो, वो पुलिस के हाथ इतने लंबे हैं कि वो उसे पकड़ कर लाएगी, और हमारे इलाके की कोई भी वारदात हो तो उसमें मुलजिम बचेगा नहीं। अक्सर लोगों की सोच होती है, मामला है जिसमें बार बार लोग हमें भी कॉल कर रहे थे, काफी जनप्रतिनिधि भी कॉल कर रहे थे और आम जनता भी हमें संपर्क में थी कि मैडम वो बच जाएगा, मैडम न्याय मिलना चाहिए, मैडम पकड़ में आना चाहिए, बहुत पैसे वाला है। तो मैं साफ साफ आपको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान पुलिस की, जयपुर पुलिस का इतिहास रहा है कि हम हमेशा निष्पक्ष और साफ कार्रवाई करते हैं, और जो पैसे वाला है या जिसके पास पैसा है तो वो अपना बचाव तो करेगा, लेकिन जब इतना संगीन जुर्म है तो हम भी अपने पूरी तफ्तीश करते हैं, उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि परिवादी को न्याय मिले।